हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी और प्रायोरिटी रूल के बारे में, यानी प्राथमिकता और प्राथमिकता नियम का सिद्धांत। तो ये जो रूल होता है ये आता है हमारा, जो हमने बोटैनिकल कोड के अंदर अलग अलग डिविजन्स डिस्कस की थी कि प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस होती है, एंड कुछ प्रोविजन्स होते हैं बोटैनिकल कोड को गर्न करने के लिए, उसी के अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी और प्रायोरिटी रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ इसके रूल्स होते हैं, इसके नियम होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, एंड कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसकी होती है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी और प्रायोरिटी रूल है ये क्या काम करता है, ये पौधे के सही नाम का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन करता है। तो डिटर्मिनेशन प्रायोरिटी रूल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक टैक्सन केवल एक ही सही नाम धारण कर सकता है, ठीक है, सिर्फ एक टैक्सोन का एक ही सही नाम हो सकता है। सही नाम कौन सा होगा, जो सबसे पुराना हो, अर्लीस्ट हो, वैध हो यानी लेजिटिमेट हो, एंड वैलिडली पब्लिश्ड हो, वही क्या होगा, वो एक नाम होगा जो कि वैलिड नेम होगा या फिर करेक्ट नेम होगा। प्राथमिकता के उद्देश्य से पौधे के विभिन्न के समूह में कुछ शुरुआती बिंदु तय किए गए हैं, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट या फिर स्टार्टिंग डेट यहाँ पर डिसाइड की गई है। इससे पहले जो पब्लिश हो चुका है उसको माना जाएगा, लेकिन इसके बाद जो पब्लिश होगा वो इन रूल्स को फॉलो करेगा, चाहे ये बोटैनिकल नोमेनक्लेचर के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। तो जैसे कि उदाहरण के लिए 1 मई 1753, जो कि लिनियस स्पीसीज प्लांटेरम की तारीख है, ये इसको स्पर्मेटोफाइट्स के शुरुआती बिंदु के रूप में लिखा गया, यानी कि स्पर्मेटोफाइट्स के लिए इसको लिखा गया है। मोसिस के लिए ये डेट जो है स्टार्टिंग डेट, ठीक है, स्पर्मेटोफाइट्स के लिए स्टार्टिंग डेट हो गई, मोसिस के लिए ये स्टार्टिंग डेट हो गई 1 जनवरी 1801 हो गई। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ जीनस यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही नाम हो सकता है, जैसे कि पोलीगाला लिन हो गया 1753, पोलीगाला नेक हो गया, पोलीगाला आयोडिस हो गया, एगोस्टी एंड फाइलेक्स नोर हो गया। तो इनमें से सबसे, अगर हम बात करें इनमें से सही नाम, करेक्ट नेम क्या है, तो करेक्ट नेम वही होता है जो अर्लीस्ट हो, लेजिटिमेट हो एंड वैलिडली पब्लिश्ड हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्राथमिकता नियम के अनुसार सबसे पहला नाम पोलीगेल लिन जो है 1753 जाति का, यह सही नाम है, ये सबसे अर्लीस्ट नेम है, यही सही नाम है। इसके बाद ये तो कुछ रूल्स थे कि इसको जो है ये फॉलो करने चाहिए प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अब लिमिटेशंस आती है कुछ प्रायोरिटी की। लिमिटेशंस के अंदर जो भी पब्लिश्ड नाम है, नामों पर प्राथमिकता नियम लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बजाय तथाकथित प्राथमिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट डेट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट डेट है द्वारा एक प्रतिबंध उत्पन्न किया जाता है। ये एक प्रारंभिक बिंदु तिथि, एक पिछली तारीख है, जिसके लिए कोई भी नाम वैध रूप से प्रकाशित नहीं माना जाता है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट डेट जो है इसके अकॉर्डिंग, इसके पीछे जो है और इसके आगे, यहाँ पे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इसको जो भी नाम है वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और इसके अकॉर्डिंग ये प्राथमिक बिंदु जो है, एक प्राथमिक बिंदु तिथि, एक पिछली तारीख है, ठीक है, एक तारीख ऐसी है, एक डेट है जिसके लिए कोई भी नाम वैध रूप से प्रकाशित नहीं माना जाता, यानी इसके बाद नहीं माना जाएगा। फूल वाले पौधों के लिए तिथि 1 मई 1753 है। प्राथमिकता के नियम को लागू करने के लिए इस तिथि से पहले प्रकाशित नामों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, यानी ये स्टार्टिंग डेट है, इससे पहले जो पब्लिश हो चुका उसको माना जाएगा, वो कंजर्न है, लेकिन इसके बाद जो पब्लिश होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। प्राथमिकता नियम की एक और सीमा है कि है नाम पर विचार किया जाना चाहिए कि प्राथमिकता के लिए लेजिटिमेट होना चाहिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये नाम वैध होना चाहिए, अन्यथा एक नाम यानी इलेजिटिमेट नेम जो है वो प्राथमिकता के उद्देश्य से विचार इसके ऊपर नहीं किया जा सकता है कि उसको ये नाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी करेक्ट नाम देने के ऊपर काम करता है। तो वो नाम तभी दिया जाएगा जब वो नाम एक लेजिटिमेट नेम होगा।
प्राथमिकता का नियम का सख्ती से पालन करते हुए पौधों के नाम में बदलाव किए गए हैं। देखिए, कुछ पौधों के नेम्स के अंदर बदलाव किए गए हैं, चेंज किए गए हैं, तो इसके लिए यह नियम पादप नामकरण प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए अस्थिरता के सबसे गंभीर कारणों में से एक है कि ये इनस्टेबल रखता है, फिक्स नहीं रखता है, ये बहुत ज़्यादा जो है अनस्टेबल, क्योंकि नाम चेंज हो गया है, जैसे जैसे रूल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नाम इनके चेंज हो रहे हैं, तो प्लांट नोमेनक्लेचर के अंदर अनस्टेबिलिटी का ये एक प्रमुख कारण होता है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टी। ऐसे कई उदाहरण है जहां पौधे जैसे कि जैसे ही किसी नाम की आदत पड़ गई, उसे किसी अन्य नाम के पक्ष में अस्वीकार करना पड़ गया, जिसे वनस्पति शास्त्रियों ने कुछ अस्पष्ट साहित्य ने ऑब्सकोर लिटरेचर से खोदा था। अब कोई नाम दे दिया गया और वो जो है वो नाम यूज होने लग गया, सब उसको उस नाम से जानने लगे हैं उस प्लांट को, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा भी हो सकता है, कुछ बोटेनिस्ट क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा टाइप का वहाँ पे लिटरेचर ला सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पेश कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो नाम क्या हो जाता है, अस्वीकार करना पड़ जाता है। तो ये भी क्या हो गया है, एक तरह से यहाँ पे इसके नाम के अंदर बदलाव हो गया है। जेनरा, फैमिलीज आदि के नामों में हानिकारक परिवर्तनों से बचने के लिए कोड उन नामों की सूची प्रदान करता है जो संरक्षित है, जो ऑलरेडी कंजर्ड है, उन नामों की एक सूची यहाँ पे बनाई जाती है, चाहे वो जेनरा हो, फैमिलीज हो, इन सभी के जो जो आते हैं नोमिना कंजर्वेंडा के अंदर। परिशिष्ट अपेंडिजेस इसका 2 एंड 3 है, एंड नोमिना जेनरिक कंजर्वेटा इट रेजिसियना, जेनरिक नामों की सूची उनके पहले के सभी समानार्थक शब्दों यानी सिनोनिम्स वर्ड्स जो है उनके संक्षिप्त के रूप में देता है। तो ये जो है यहाँ पे इनके परिवर्तनों से बचने के लिए, तो ये क्या किया जाता है, कंजर्ड नेम की सूची बनाई जाती है, कंजर्ड नेम की एक लिस्ट बनाई जाती है, वो इनके अंदर दी जाती है, ताकि जब भी कोई नया नाम रखे पहले इनको एक बार क्या कर ले, इनको देख ले। इस प्रकार जैसे कि बूटिया वेल्ड हो गया, इसका नाम जो है पहले नाम प्लासो एडेंस, और कजानस डीसी खिलाफ काजन एडेंस के खिलाफ संरक्षित है, यानी कि कंजर्ड है ये, ठीक है। जैसे बूटिया विल्ड जो है इसका नाम प्लासो एडेंस, एंड जो कजानस डीसी है उसका नाम काजन एडेंस के नाम से पहले से ही कंजर्ड है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या यहाँ पे जो है इसके अंदर रूल ऑफ प्रायोरिटी के अंदर क्या चीजें मानी जाती है, फॉलो की जाती है या फिर अप्लाई की जाती है, ठीक है, क्या चीजें अप्लाई की जाती है यहाँ पे, क्या इसकी लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस होती है, ठीक है, डिसएडवेंटेजेस इसकी होती हैं, एंड कुछ नाम जो है वो कंजर्ड होते हैं उसके लिए भी लिस्ट बनाई गई है, जो उन लिस्ट कर दी गई है ताकि कोई नया नाम आए तो वो देख ले कि वो पहले से कंजर्ड है या नहीं है। तो यहाँ तक हमने रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी और प्रायोरिटी रूल के बारे में बात कर ली है। ये जो है इसके ऊपर या तो नोट लिखना आ सकता है, फिर शॉर्ट नोट इसके ऊपर लिखना आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे बोटेनिकल गार्डन एंड हर्बेरियम के बारे में, इंपॉर्टेंट हर्बेरियम, इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।